कितने प्यारे हैं, छोटी सी उम्र में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखो भाई मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मोटिवेट हो जा रहे ये जो 14-15 साल के लोग हैं ना जो घर में बैठे हैं अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, ये देखो इससे इनसे सीखो कुछ, सीखो ऐसे लोग कामयाब होते हैं जिंदगी में। तो गाइज मैं आ गया हूँ प्रथम भाई के पास, प्रथम भाई ये खड़े हुए हैं, अब हम चलेंगे वड़ा पाव लेने। ये रे प्रथम भाई, कैसे हो प्रथम भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया हो, लेकिन लेट कर दिया तुमने। क्यों? 15 मिनट लेट हो। क्यों? 7 बजे कहा था मेरे पास आने। अरे वो बीच में यार तुम्हें पता यार बारिश के चक्कर में जाम कितना लगा हुआ है। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये बारिश बता रहा। चलो फिर अब ना वड़ा पाव वाले के पास चले, भाई के पास बहुत देर का ऑर्डर दे रखा है और वो भाई इतने अच्छे हैं हमारे वड़ा पाव वाले। हाँ उन्होंने पता नहीं, हमने उन्हें फोन करा तो उन्होंने कहा कि कहते हैं कि भाई हमारे पास वड़ा पाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए स्पेशल अलग से उन्होंने बना दिए। हाँ ये आ गए हम वड़ा पाव भाई के पास। हो गए भैया? भैया हो गए? ये प्लान हमारा सैटरडे को था, लेकिन सैटरडे को बारिश, सैटरडे को नहीं फ्राइडे को प्लान था हमारा, फ्राइडे को बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था। हाँ उस दिन ज्यादा ही वर्षा हो गई थी। हाँ। और हमारे मास्टर जी को दिखाओ उधर, वो हमारे मास्टर जी जहाँ से हम पूरी लेते हैं वो देखो हेलो कर रहे हैं। तो हम खाएंगे गाइस ये, और जो है गरीब खाएंगे नहीं, हम इसमें से सिर्फ घर के लिए 2-3 पीस ले जा रहे हैं, बाकी जो हम इसमें से 10-12 पीस है जो आज हम कहते हैं गरीबों में बांटेंगे, क्योंकि ये हमने डिसाइड करा था फ्राइडे को। हाँ कि हम आज मंडे को ये काम करेंगे, मंडे को, लेकिन हम बारिश की वजह से नहीं कर पाए थे। हाँ। आज मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है, तो आज हम जाके अभी ये कहते हैं बांटेंगे, अभी बांटेंगे। हाँ तो तुम फ्री हो ना, आप चलोगे ना साथ में मेरे? बिल्कुल चलेंगे। पक्का गोली तो नहीं दोगे हमेशा की तरह? तुम्हारी तरह गोली नहीं दूंगा। ये बस हमारे ही रेडी हो रहे हैं, हमारे ही हो रहे हैं, ये हमारे ही रेडी हो रहे हैं। हम भाई बहुत अच्छे हैं हमारे वड़ा पाव वाले। हाँ। ये जो भाई खड़े हैं ना ये, हाँ ये हमारे भाई इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए भाई भी भाई की पता है एज क्या है? पता है 14 साल है भाई की, 14 साल खाली, इतना अच्छा अपना यार अपना काम कर रहे हैं अपना, है ना। ये तो पता है आजकल की एज में नोंडे लपाटे क्या है, 14-15 साल की एज में अपना बहुत गलत गलत काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर की कोई परवाह नहीं है। यहाँ देखो बंदा अपना घर चला रहा है यार, भाई से मिलते हैं पूछते हैं कहाँ कहाँ से अरेंज करें अपने। बताओ भाई कहाँ से अरेंज करे तुम? भाई सबसे पहले तो मैं भाई को बताऊँ, भाई की पहले शॉप थी DLF में, थी ना DLF में थी, और भाई की वीडियो जो है वहाँ पे YouTube में वायरल भी हुई थी, कितनी भी 1.3 मिलियन लाइक्स हैं और 17 मिलियन व्यूज है। 17 मिलियन व्यूज है भाई, 17 मिलियन देख रहे हो, इसी से आप पता लगा सकते हो। हाँ इसी से आप पता लगा सकते हो कि कितना अच्छा टेस्टी बना रहे हैं वड़ा पाव। ये देखो क्या, अब ये देखो मैं इनका जो है ना हर 2-3 दिन में मतलब लेके जाता हूँ, 4-5 लेके जाता हूँ हर 2-3 दिन में। यही राज है वड़ा पाव का, देख लो। ये देखो वड़ा पाव खा के मेरे पाव बन गए यहाँ। मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं हुई है। ये देखो हमारे तो रेडी हो रहे हैं, 13-30 जा रहे हैं। अगर आपको कल चाहिए तो 10 वड़ा पाव मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं गाइस इतनी सेल है आज के, कस्टमर वापस जा रहे हैं हमारे, कस्टमर वापस जा रहे हैं, बेचना पड़ रहा है वापसी, इतनी सेल है वड़ा पाव, अच्छा बना रहे हैं, टेस्ट इतना अच्छा दे रहे हैं। गूगल पर क्या भैया? बताओ बताओ बताओ, हॉट एंड स्पाइसी वड़ा पाव गूगल पर सर्च कर सकते हो, ये एड्रेस आ जाएगा, ये एड्रेस आ जाएगा, और जहाँ से मैं पूरी लेता हूँ ये एड्रेस भी आ जाएगा, ये एड्रेस सब जानते हैं पूरी। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मिलते नहीं है अभी, दिखाओ भैया वो कितने अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। चलो दिखा देंगे हम दोबारा, ये सारे हमारी, हमें लगा क्योंकि वरुण भाई के कहते लेट जाते हैं ना, इनका काम सारे लेट है, आपको पता ही है गाइस वरुण ओजला इज द लेट पर्सन। आंटी आंटी भी वापस जा रही है, आंटी को भी नहीं मिला। हाँ बोलो भाई, आंटी को मैंने गलती से आंटी बोल दिया। ये तुम्हारे ही काम हो सकते हैं, ये और कुछ नहीं हो सकता। ये आंटी का वैसे तो मुंह बन ही गया था कि खत्म हो गया, और मैंने आंटी बोल दिया, बच गए। हम आज का मौसम देख रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ वैसे आंटी को हम आंटी बोल दे बुरा क्यों मान जाती है? बुरा इसलिए बोल दो अंकल बोल दो, तुम बुरा मान जाओगे? क्यों मैं तो नहीं मानूंगा, जब मुझे पता आगे जाके मैं अंकल हो जाऊंगा, अभी तो नहीं हूँ ना। वो तो आंटी है ना, वो तो थी ना। ये देखो भाई ने कर दी है, भाई रैप कर रहे हैं, खत्म, ये भी वापिस जा रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हो यार? ये तो दिखाना है कि खत्म, दिखाओ पब्लिक को, दिखाओ कि वो भी वापिस जा रहे हैं। एक भी नहीं वापिस जा रहे हैं, सारे वापिस जा रहे हैं, सारे वापसी जा रहे हैं, किसी के लिए नहीं बचा। अच्छा अच्छे टाइम पे ऑर्डर करा हमने एकदम,
सही टाइम पे मम्मी का फोन आ गया है। वरुण औजला ये हो गए, ये हो गए 13 पीस। ये 6 हैं, ये एक में 7 है, एक में 7 है, एक में 6 है। ये मेरे को बता देता है इन्होंने हफ्ते पहले बता देता कि आज का ऑफर चलेगा, और वैसे भी ऑफर नहीं चलता, मैं तो इनके पास आता ही। हाँ। अभी नेक्स्ट ऑफर के लिए ही बताऊंगा, नेक्स्ट ऑफर के लिए बता देंगे, हमें पहले बता देना। हाँ अरे मैं बहुत भर भर के खाता हूँ यार, चल ये लो जी, थैंक यू। तो ये हमारी पेमेंट हो चुकी है। ये देखो, ये भैया देखो कितने प्यारे हैं, छोटी सी उम्र में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखो भाई, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मोटिवेट हो जा रहे ये जो 14-15 साल के लोग हैं ना, जो घर में बैठे हैं अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। ये देखो इससे, इनसे सीखो कुछ, सीखो। और ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं भाई, ऐसे लोग कामयाब होते हैं जिंदगी में। इतना ठीक है, भाई को देख लो, भाई के पास आना है, जो जो मेरे जो वीडियो देखता है, ठीक है भाई के पास आना है, जो आसपास रहता है, जो दूर रहता है वो भी आ सकता है, आ सकता है पेट्रोल खर्च के, एक बड़ा पाव खाने, ठीक है ना। तो चलो भाई, थैंक यू। ओके अंकल, कहीं इनसे भी गाली खा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है भैया, बाय। तो ये हमारी पैकिंग हो चुकी है, आप जैसा कि देख सकते हो, अब हम जा रहे हैं घर, उसके बाद चलते हैं। और ठीक है भैया, बाय बाय, बड़ा पाव, चलो बड़ा पाव भैया। और सर जी ठीक हो? तो देख रहे हो, अब हम रेडी हो रहे हैं अपने घर जाने के लिए, ये बाइक निकल चुकी है हमारी। तो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ घर जाके, जो है आपसे मिलता हूँ, फिर जब मैं अब ये बांटने जाऊँगा ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, बांट दो ये। और गाइस मैं भी चलता हूँ, क्योंकि फिर इनका पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि ये 5 मिनट बोल के आधे घंटे में आते। नहीं बस घर जाके चाय पी ली। तो आप सुंदर हालत देख सकते हैं हमारी प्लेटिना की भी आज, बुलेट तो हम निकालते नहीं, नहीं बारिश में निकालता नहीं है, बारिश में नहीं निकालता, लेकिन चलो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम मंदिर जाएंगे, और वहाँ पे क्या कहते हैं जाके, जो वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं, जैसे गरीब लोग बैठे रहते हैं, तो उनको आज हम कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, थोड़ा सा बड़ा पाव देंगे आज, बड़ा पाव देंगे, क्योंकि तो हम जा रहे हैं मंदिर उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके। छिनवा मत देना फोन भाजी, फोन तो कोई छीनेगा नहीं यार, उन्हें भी पता है वरुण औजला यूट्यूबर का फोन है ये। हमने देखा था वहाँ पे जब हम क्या कहते हैं वो ले रहे थे, क्या वड़ा पाव ले रहे थे, तो क्या कहते हैं जो कस्टमर आए थे उन्होंने उन्होंने पूछा नहीं था। हाँ, उन्होंने पूछा था। तो देखो हमारे वरुण भाई धीरे धीरे कितने वो कितने एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक करके सीढ़ी चढ़ी जाती है यार, अब डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी में पहुंच जाएंगे तो गिर जाएंगे ना। 10वीं सीढ़ी पे हम चढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि हम रोनाल्डो तो है नहीं, क्योंकि वो इतनी लंबी फुट स्टेप रखते हैं। हाँ, इसलिए हमेशा छोटी स्टेप रखो। और यार रोनाल्डो की भी धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। हाँ यार, वो कहाँ है, गरीब लोग कहाँ है, आगे बैठ रहे थे, है ही नहीं आगे बैठे, आगे होता ना मंदिर के पास। यार एक दो आंटी बैठी हैं, बस दो आंटियाँ बैठी हैं, वो पहले ही नहीं दे रहे थे ना। स्कूटी रोक लो, पहले स्कूटी रोक लो, साइड में लगा लेते। दीदी अभी तो आज तो दो ही मिले हैं, अभी आगे चल के, और अभी आगे चल के देखते हैं कि और हमें कितने लोग मिलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बारिश की वजह से नहीं बैठे। हाँ, दो लोग और बैठे मिले हमें। ये छिनवा मुश्किल नहीं, नहीं नहीं, चार हो गए, चार हो कितने गए? बचे हैं अब हमारे पास जितने भी बचे हैं, देखते हैं बचे हैं छः, जितने भी छः या सात जो भी हैं। अब एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं साई चौक। कहाँ पे? साई चौक मेरे ख्याल से। हाँ साई चौक पे मिल जाएंगे इस टाइम, वहाँ मिल जाएंगे, सीधा ले लो, सीधा ही वहाँ मिल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं एक, अब हम जा रहे हैं साई बाबा मंदिर, साई चौक वहाँ ज़्यादातर मिलते हैं, ये भी तो बैठे हैं। हम पहुँच चुके हैं साई चौक, तो देखिए जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे हमें साई चौक पहुंच गए हैं, बिल्कुल ये रहा साई चौक। और रात को भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी वो रहता है, एक रश साई चौक पे, रश 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 भाजी रश आपके आँख आपके कान साफ नहीं है।
दो तीन पाँच कितने पाँच पाँच रह गया कोई है हाँ आगे एक रिक्शे वाले भैया खड़े हैं उनको दे देते चलो चाबी निकाल लो लॉक कर दो चलो ये रे रिक्शे इन्हें दे दो वरुण भैया इन्हें दे देते बड़ा पाव है ठीक है खा लेना वहां से बड़ा पाव पैक करवा के लाए अब तुम्हारा रह गया भाई हाँ हाँ आफ्टर जिम आफ्टर वर्कआउट सॉरी तो गाइस अब हमने सब कुछ यहाँ पे कर दिया है हमारा जो काम था हमने खत्म कर चुके हैं अपना अब हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने अब हम पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं पेट्रोल पंप आ चुके हैं नॉर्मली डलवाना भाई पावर वाला मत डलवाना भाई वरुण भाई भाई जीरो सही है ना पहले बता देना हाँ क्योंकि भाई बटन वटन का कुछ हिसाब होता है ना इसमें तुम दबा देते हो तेज चलता है मीटर होता है ना वरुण भाई से अरे होता है दिल्ली का पेट्रोल पंप इतना बड़ा है सबसे तेज नंबरिंग चलती है ये चिल्ला तो कुछ गलत तरीके से रहते ज्यादा ही ओवरलोड हो गई दिखाना जरा कितना ओवर हो गया ज्यादा ही ओवर हो गई हाँ यार दिख तो रहा नहीं है सही कह रहे हैं भाई अरे ऑनलाइन दे दो भैया को ठीक है चलो मिलते हैं भाई बाद में तो गाइस हम बाट आए हैं हम वड़ा पाव हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट देके आते हैं यार और क्या फिर अब मैं जो है प्रथम को घर छोड़ रहा हूँ अब इसके बाद मैं जाऊँगा अपने घर फिर घर पे मिलते हैं गाइस ठीक है तो गाइस अब हो गई है रात और मैं जा रहा हूँ सोने मैं चला सोने क्योंकि आँखों में भर चुकी है नींद बहुत सारा काम कर लिया सुबह से रात तक तो मिलते हैं गाइस कल वाले व्लॉग में आप लोग अपना ध्यान रखिएगा मस्त रहिएगा स्वस्थ रहिएगा और खाते पिए रहिएगा ठीक है तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में बाय टाटा।